इसका जो छोर है हाँ, ये तो छोर है आपका, ये नीचे लगना चाहिए, इतना जितना लग गया उतना आपको उतने से लेकर के यहाँ पे थोड़ा गांड बोलना है, जोर से पकड़ लेना है, ठीक है। बराबर यहाँ पे ऐसा थोड़ा कपड़ा ऊपर ऐसा खींच लीजिए अंदर से, हो गया। अब ये जो छोर है इसको इतना इतना चार चार अंगुलों मात्रा में उसको थोड़ा ज़्यादा आ गया तो लेना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पे आपको बिल्कुल नाभि के सामने लेना है, ये एक कच हो गया, ठीक है। बराबर ये जो छोर है इसको लेकर के पीछे की ओर लेना है, पीछे भी ऐसा ही है, चार चार अंगुल की मात्रा में आपको लेना है। ये बराबर बैठ जाएगा, ये लेना है थोड़ा पीछे, बिल्कुल जो हमारा जो रेड की हड्डी वहाँ पे लेकर के अंदर घुसेंगे। ये हो गया हमारा द्वि कच, एक कच हो गया, द्वि कच हो गया, और यहाँ पे तीसरा आपका ऐसा है, बराबर इसको कुर्स बोलते हैं आयुर्वेद में, तो इसको लगभग एक वितस्ता और चार अंगुल की मात्रा में यहाँ से लेकर के आपको उठा करके इसको साइड में मतलब यहाँ पे नाभि के थोड़ा खींच करके आपको लेना है। तो ये ज़्यादा मतलब लंबा होगा तो उसका और अच्छा मतलब बनता है, डिजाइन एक बन जाता है ऊपर नीचे होकर के। तो हो गया आपका त्रिकच, हो गया साधारण, और ये ऐसे ही रहेगा किनारे वाला? हाँ वैसे ही रहेगा, अच्छा है तो ऐसा उसको अंदर भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये हैरानी हो रही थी कि आपने ऐसे कैसे पहना कि ऊपर भी वो ऐसा डला हुआ था, तो अभी पता चला कि वो अलग से हिस्सा हाँ, था। वो अलग से। मैं इसीलिए मतलब हैरान था कि इसको मतलब जब बाहर होते हैं तो ऐसा उसको ओढ़ लीजिए चादर की तरह, जब प्राणायाम ध्यान करते हैं तो ऐसा करना है उसको, उसको थोड़ा एक हिस्सा इसको पकड़ना है, उसको पूरा नहीं पकड़ना है, ऐसा पकड़ करके ऐसा ये लेकर के हो गया। ये प्राणायाम ध्यान अब जब कोई पठन पाठन करते हैं तो ऐसे में आपको मतलब रहना चाहिए, किसी के सामने यदि बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारे बगल में एक मर्म है, जब हम मर्म चिकित्सा के विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे 107 मर्म का क्या प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ पे भी जब ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें भी मर्म का बड़ी भूमिका रहती है, उसका प्रभाव मिलता है, तो उसमें भी हम मतलब शरीर में लाभ मिलता है, और अलग विषय है मर्म का विषय, तो इससे मर्म के ऊपर भी बहुत उसका प्रतिपादित होता है। जब हम ऐसा कुछ नहीं करते आराम से जो उसको निकाल करके ऊपर ले लीजिएगा, मर्म चिकित्सा के लिए नीचे से लेना है मर्म के लिए, और ऐसे ऊपर से।